आए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और ये मैंने 2 मीडियम साइज के ना आलू ले लिए, ठीक है। इनको अब मैंने छील लेना है, इसका छिलका उतार लेंगे, ठीक है। ऐसे इनको पहले अच्छी तरीके से धो लेना, धोने के बाद इसका छिलका ऐसे रिमूव कर देना है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेने, उनको काट लेने बारीक बारीक, ऐसे इन टमाटरों को काट लेने। आलू की भी स्किन उतारनी, आलू के भी बारीक बारीक आलू को काटने, आलू भी बारीक बारीक काटने, लेकिन अभी काटे नहीं है, अभी टमाटर काट रहे हैं। धनिया, धनिया के भी बारीक बारीक काट लेना है, ताकि ये हमारा जो मसाला बने ना उसके अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसे ध्यान से हाथों का भी ख्याल करना है अपने। धनिया को चॉप कर लिया हमने, उसके बाद सब्ज मिर्चें हैं हमारे पास, मिर्चों को भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेने। ये जो रेसिपी आज हम आपको बना कर दिखा रहे हैं ना, इससे आप लोग अपने कारोबार भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट, ठीक है। कारोबार में भी कारोबार करके इससे 1000 रुपये कमा सकते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, मतलब के छोटे तबके के लोग हैं, वो अपना अगर इसे कारोबार करना चाहें तो ये रेसिपी देखकर वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो महंगाई का ज़माना है उसमें आजकल होता तो कुछ नहीं है, बस ये कि गरीब तबके के लिए कारोबार का नहायत ही सस्ता और मुफीद तरीका है। आलू को जो पहले हमने छील लिया था ना, इसको बारीक बारीक इस तरह इसकी लंबी लंबी, वो एक तो मशीन में करते हैं ना इसको बारीक बारीक, वो चिप्स जैसे काटते हैं, लेकिन इसको चिप्स जैसा नहीं बनाना, लेकिन काटने वैसे ही बारीक बारीक ऐसे, ये देखें ऐसे, ताकि ये पकौड़ों में अच्छे तरीके से हल हो जाए। मसाला बनेगा ना इसका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चिकन निकल आया तभी तो मुझे हुई थी, आलू हमारे बन गए, आलू वाले खाने थे। प्याज, एक प्याज ले लेना मीडियम साइज का, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेना वैसे। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आज प्याज काटते वक्त अगर आप अपने मुंह में चिंगम रख लें, चिंगम चबाते रहें, तो उससे आंखों से आंसू नहीं आते, और ये आजमा कर देखें, ये चीज़ 100% ये श्योर है, अगर प्याज काटते वक्त आप अपने मुंह में चिंगम चबाते रहें तो उससे आंखों में आंसू नहीं आते। पालक ले लेनी है एक मुट्ठी जितनी, इसको बारीक बारीक कैसे काट लेना। पालक को बारीक बारीक कैसे चॉप कर लेना। लाल मिर्च हसबे जायका, नमक 1/2 चम्मच, गरम मसाला डाले थोड़ा सा हसबे जायका, हल्दी, खुश्क धनिया कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, नहीं कस्तूरी मेथी नहीं है हमारे पास, बहुत ही तो ऐड करते पड़ी भी बाबा। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना ऐसे बेसन के अंदर, ये 1.5 कप बेसन है हमारे पास, ठीक है। ये जो सारा मसाला हमने बनाया था, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च ये शामिल थे, हमने इसके अंदर बेसन के अंदर ऐड कर दिया। और ये पालक जो हमने काटी थी बारीक बारीक काटी थी पालक, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इस सारे मसाले को क्या करना है, हमने इसको बनाना है, मिक्स करना है अच्छी तरीके से।
ये देखें, एक थाल के अंदर हमने इसे कन्वर्ट कर लिया छोटे से थाल में। इसमें अब पानी डाल के थोड़ा सा अब इसका मसाला वगैरह तैयार करना है बेसन का। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मज़े आएंगे आज, कोई मज़े आएंगे कमाल। बस ये मसाला ऑलमोस्ट तैयार है हमारा, देखें ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें नमक थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा नमक इस पर ऐड करेंगे हम। ऑयल गरम हो रहा है, ऑयल गरम हो जाए उसके बाद फिर पकौड़ों को फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें ऐसे चम्मच की मदद से ऐसे छोटे छोटे एक 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 चम्मच, खाने वाला चम्मच होता ना वो, एक एक चम्मच, हाँ ऐसे ऐसे पकौड़े बनाने हैं, ऐसे डालते जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वक्त ऐसे देखें माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। मैंने पहली मरतबा अपने हाथों से पकौड़े बनाए हैं, पहली मरतबा, ये मेरी फर्स्ट डिश है। गाइज आपने भी इसी सेम टू सेम इसी तरीके से बनाने हैं और हमें लाजमी बताना है कि कैसे बने हैं। ठीक है, माशाल्लाह ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसके साथ ये रायता, ये देखें, इसमें रायता पुदीना वगैरह इसमें कुछ चीज़ नहीं ऐड की हमने, सिंपल दही है, सिंपल दही के अंदर हमने काली मिर्च ऐड की है। ठीक है, ये देखें काली मिर्च ऐड कर दिए और ये पकौड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह।